गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू द TSN स्कूल. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 14. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज वाटर. वाटर यानी पानी. तो बेटे इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे डेली रूटीन के अंदर जो वाटर का यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ के साथ में हम कितना ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट भी कर रहे हैं, और पानी को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक. इमेजिन वॉट वुड हैपन वुड यू बी एबल टू कुक क्लीन यूटेंसिल्स एंड द वॉश क्लोथ और बाथ. वॉट आर द अदर एक्टिविटी यू वुड नॉट बी एबल टू डू. What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? मान लीजिए कि किसी कारण से आपके परिवार को केवल 1 बकेट पानी ही रोज़ मिल पा रहा है ना, फॉर अ वीक. एक जो वीक है उसके अंदर अपने को इतना ही पानी मिल पा रहा है. इमेजिन वॉट वुड हैपन. क्या कभी सोचा है अगर ऐसा हो तो क्या हो? क्या वो पानी हमारे खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हमारे कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए क्या पर्याप्त होगा? वॉट वर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू. और कौन कौन से काम हैं जो बिना पानी के आप कर ही नहीं सकते? वॉट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस ऑफ वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर बहुत लंबे समय तक हमें सही मात्रा में पानी न मिले तो क्या होगा? Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Do you have an idea about the quantity of water we use in a single day? केवल पानी पीने के अलावा हम हमारे डेली रूटीन की लाइफ में बहुत से ऐसा काम है जो कि पानी से ही करते हैं. क्या कभी आपने सोचा है कि पूरे दिन भर के अंदर हम कितना पानी काम में लेते होंगे? हाउ मच वाटर डू वी यूज़. कितना पानी हम काम में ले रहे हैं? लेट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे. सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1. मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक थ्रू आउट द डे. मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर use for each activities by you and other family member. You may use a mug, a glass, a bucket or any other container to measure the amount of water used. जो आप ये लिस्ट बना रहे हैं उस लिस्ट के अंदर आप पानी को मापने के लिए एक मग, एक गिलास, एक बकेट या अदर कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं कि हमने इतना कंटेनर जो है वो पानी काम में लिया है, हमने इतने गिलास वाटर काम में लिया है. और इस तरीके से आपको एक एक्टिविटी बनानी है जिसके अंदर आपने पूरे दिन भर में कितना पानी काम में लिया और आपके फैमिली मेम्बर ने कितना पानी काम में लिया. ठीक है, तो उस एक्टिविटी को किस तरीके से बनाना है, जैसे ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड द वॉशिंग क्लोथ्स एंड द टॉयलेट्स एंड द क्लीनिंग फ्लोर एनी अदर. तो इसके अलावा और किन कामों के अंदर आपने पानी को काम में लिया है, तो इस तरह से हमें एक लिस्ट बनानी है. यू नाउ हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेस इन अ डे. क्या आपको एक कोई रफ आइडिया है कि आपकी पूरी फैमिली जो है वो कितना पानी काम में लेती होगी? यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाई योर फैमिली इन अ ईयर. अब जो आपने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है ना, ये जो लिस्ट बनाई है, तो उसके बाद में आप ये पता लगाइए, ये कैलकुलेशन कीजिए कि पूरे साल में कितना पानी आपने काम में लिया है और कितना पानी की आपको ज़रूरत होती है. नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ योर फैमिली. अब ये जो अमाउंट है इसे आपकी घर में जितने फैमिली मेंबर हैं उनके नंबर से डिवाइड कर दीजिए. दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय 1 मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर. ये अमाउंट आपको बताएगा कि किस तरीके की आपके फैमिली मेंबर और आप पूरे साल में कितना पानी काम में ले रहे हो. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन. अब आपके गांव में या आपके कस्बे के अंदर कितने लोग रहते हैं?
You may now get an idea the amount of water needed by your village or town in a year. अब तुम ये जो तुमने कैलकुलेशन लगाई है, इस कैलकुलेशन से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके गांव में रहने वाले जो लोग हैं या आपके टाउन में जो रहने वाले लोग हैं, उनको एक साल में कितने पानी की आवश्यकता होती है. You have listed a number of activities for which you use water. Do you think our water requirement is limited to activities like this? We use wheat, rice, pulses, vegetable and many other food items every day. हम हमारे डेली रूटीन के अंदर दाल, चावल, सब्जियाँ और अदर फूड आइटम खाते हैं. We know that some of the fibers that we use the making fabric come from plants. Is water not needed to grow this? इसके अलावा यदि हम बात करें कि हम कॉटन का यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए, वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में स्टडी किया है फाइबर टू फैब्रिक में, तो वहाँ पर ये बताया गया है कि प्लांट पार्ट से भी जो कपड़ा है वो तैयार किया जाता है. तो क्या आपको नहीं लगता कि जो प्लांट्स हैं उन्हें भी पानी की ज़रूरत है? वाटर इज़ नीडेड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग अमाउंट ऑल द थिंग दैट वी यूज़. इसके अलावा पानी की ज़रूरत सभी उद्योगों के अंदर होती हैं जो कि प्रोडक्शन का वर्क कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं. सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग. इसीलिए केवल हमारे लिए खुद के लिए डेली रूटीन के अलावा भी हमें जो और लोग हैं उनके बारे में देखना चाहिए. वो लिस्ट आपको बनानी चाहिए कि भाई दूसरे लोग जो हैं उनको भी पानी की ज़रूरत है, और जो अदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके लिए भी, और जो थिंग्स बनाई जा रही हैं, चीज़ें बनाई जा रही हैं, उनके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, तुम्हें पानी मिलता कहाँ से है? तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरत है कि जो पानी हम काम में ले रहे हैं वो आता कहाँ से है. वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़, आप वो पानी कहाँ से लेते हैं जो आप काम में ले रहे हैं. सम ऑफ यू मे से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग पॉन्ड, वेल और हैंडपम्प. कुछ कहेंगे कि भाई ये पानी हम कुएं से मिल रहा है, या हमें नहर से मिल रहा है, या हमें तालाब से मिल रहा है, या हमें कुएं से मिल रहा है, या हमें हैंडपम्प से मिल रहा है. सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. कुछ तो ये कहेंगे कि भाई हमें पानी जो है वो तो नल से मिल रहा है. हैव यू एवर वंडरेड वेयर वाटर इज़ अ टैप्स कम्स फ्रॉम, क्या आपने कभी सोचा है कि नल में पानी कहाँ से आता है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल. इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स. जो नलों में पानी आता है बेटे, वो पूरा सिस्टम बना रखा है, पाइप्स का नेटवर्क सिस्टम है जो कि किसी लेक या रिवर या वेल से कनेक्टेड होता है. ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेस सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड वेल्स. भले ही हमें हमारे घरों के अंदर पानी मिल रहा है, लेकिन पानी का जो मेन सोर्स है वो कहाँ से होगा? वो या तो कोई पॉन्ड, तालाब होगा, लेक होगा, रिवर होगा, या कुएं होंगे. वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर, वेयर डज द वाटर कम्स फ्रॉम. तो हम कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर की स्टडी करेंगे कि हमें कहाँ से मिलता है. टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स. नदियों में, तालाबों में, झीलों में पानी कहाँ से आता है? डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. क्या आपको पता है कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है? मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियन एंड सीज. इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो समुद्रों में और मतलब महासागरों में और समुद्रों के अंदर है. द वाटर इज द ओशन एंड द सीज हैज़ अ मैनी सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन इट. जो समुद्रों में और महासागरों के अंदर जो पानी है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट जो हैं, बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट हैं वो डिजॉल्व है, घुला हुआ है. द वाटर इज
स्लाइम. तो ये पानी कैसा है बेटा, ये पानी खारा है. सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड द अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीडेड. इसीलिए पीने के पानी के जो हम पानी पीते हैं उस काम में, जो हमारे घरेलू वर्क हैं उसमें, और जो कृषि का कार्य है उसमें, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसमें, इन सब को काम में, इन सब में उस सलाइन वाटर को काम में नहीं लिया जा सकता. यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंसाइट मराइनर रिटन बाय एस टी कॉलेजेस इन 1798. वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. ये एक बहुत बड़े जो कवि हैं वो हुए थे, जिन्होंने एक कविता लिखी थी. और वो कविता क्या थी कि वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह पानी है, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन उसमें से एक बूंद भी पीने लायक नहीं है. तो वो ये महासागरों के की बारे में बताया जा रहा है इस कविता के अंदर. हेयर द पोइट हैज डिस्क्राइब द प्लाइट्स ऑफ सेलर्स ऑन अ शिप लॉस इन द ओशियन. यहाँ पर जो कवि है वो उस नाविक की व्यथा को, दुख को बताता है जो कि अपने शिप में है और वह ओशियन में गुम गया है. ठीक है, अब ओशियन में गुम हो जाने की वजह से क्या है कि उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन वो पानी पी नहीं सकता क्योंकि वो पानी खारा है, जबकि उसे बहुत प्यास लगी है. येट ओशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़. डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग. हाँ, ये बात बहुत आश्चर्यजनक है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना कि जो महासागर होते हैं वो हमें पानी सप्लाई करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज नॉट सॉल्टी. जबकि जो हम पानी काम में ले रहे हैं वो तो सॉल्टी ही नहीं है. मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेस फॉर अवे फ्रॉम द ओशियन. डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेस ऑल्सो डिपेंडेड ऑन द ओशियन. हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉइंट्स लेक्स रिवर एंड द वेल्स. वी सप्लाई अट्स वाटर. हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट सलाइन एनी मोर. तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि समुद्र जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे तक पानी पहुँचाने में, तो जो हमारे पास पानी है वो खारा क्यों नहीं है, सलाइन वाटर क्यों नहीं है. तो आपने वाटर साइकिल का नाम तो सुना ही होगा बेटे. तो वाटर साइकिल क्या है? दिस अपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट द वाटर स्पिल ऑन अ फ्लो ड्राइज ऑफ वाटर सम टाइम. आपने देखा होगा कि अगर हम फ्लोर पे पानी गिर जाए या हम पोछा लगाएं तो कितनी देर लगती है उसको ड्राई होने में, या हमने कपड़े सुखाए हैं, धोकर कपड़े सुखाए हैं तो उन कपड़ों को सूखने में कितना वक्त लगता है. तो वो पानी आखिर जाता कहाँ है बेटे? तो वाटर फ्रॉम वेट रूफ्स, रूफ टॉप्स एंड फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन. वेयर डज दिस वाटर गो. है ना, ये पानी आखिर जाता कहाँ है? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 16 चैप्टर 5 इन विच वाटर विज सॉल्ट डिसॉल्व इन इट इट वॉज हीटेड. हम लोगों ने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 5 में. वॉट डिड वी फाइंड, हमें क्या मिला था कि जब पानी इवेपरेट हो जाता है तो उसके पीछे सॉल्ट रह जाता है. दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंज इन टू इट्स वेपर. ही ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी द वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट. वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम्स अ पार्ट ऑफ एयर एंड द कैन नॉट यूजली बी सीन. वी ऑल्सो फाउंड the heating is the essential of the convert water into its vapor. However, we have seen that water change into its vapor also from the fields, roads, rooftops and the other land areas. We also discussed in chapter 5. ये हम chapter 5 में study कर चुके हैं और हमने वहाँ पर देखा था कि जब पानी evaporate हो जाता है तो उसके पीछे salt रह जाता है, पूरा पानी evaporate रहता है. तो ठीक, ये process प्रकृति के अंदर भी हो रहा है कि बारिश के बाद में जो गड्ढे हो जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है, तो जब धूप निकलती है तो वो पानी evaporate हो जाता है और वो जगह वहाँ पर ड्राई हो जाती है. ठीक ऐसे ही जब कपड़े धोकर सुखाए जाते हैं तो उनके अंदर का पानी evaporate हो जाता है और कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं. तो इस तरीके से हमने आज चैप्टर के अंदर ये सीखा कि पानी हमारे लिए कहाँ कहाँ पे ज़रूरी है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जा रहा है और
इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ा बहुत वाटर साइकिल की स्टडी की है। इसकी ब्रीफली स्टडी जो है वो इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में करेंगे और वहाँ पे हम एक्टिविटी नंबर सेकंड भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।